तो हेलो दोस्तों, मैं हूं उदल यादव और आपके लिए लेके आ गया हूं IUPAC नॉमेनक्लेचर की एक और नई वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं साइक्लो एल्केन्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इसको, हेडिंग डाल लेंगे पहले आप हम साइक्लो एल्केन्स। ठीक है, क्या होता है साइक्लो एल्केन्स? अभी हमने एल्केन्स पढ़े, एल्केन्स क्या होता है? जिनके अंदर सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन साइक्लो एल्केन्स क्या होता है देख लेते हैं अपन इसको। मान लीजिए कि हमने ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। ठीक है, इनको जब हम ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर में अरेंज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? CH2, यहाँ आएगा CH2 और यहाँ भी आएगा H2, क्योंकि दो दो बॉन्ड सबने बना रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? इसके लिए हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट में, जो मैंने आपको बताया था कि हमारा एक होता है सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट, मतलब सेकेंडरी जो हमारा, ऐसे बताया था मैंने, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स, फिर उसके बाद आता है रूट वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स अपन ने सारे पढ़ लिए हैं, सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं। अब आ जाता है फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स पे। तो फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स में हमारे आ जाते हैं साइक्लो, बाय साइक्लो, पायरो। ठीक है, तो इनको हम देख लेते हैं। ये हम साइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। साइक्लिक में क्या आ जाए? साइक्लो अल्केन पढ़ रहे हैं। क्यों अल्केन? क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो देख लेते हैं इसको। अब जैसे ही साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया हमने, यहाँ पर क्या है अपने पास? एक दो तीन, तीन कार्बन है। तो क्या हो गया? ये प्रॉप। ठीक है, लेकिन हमारा ये क्या है? अपना रूट वर्ड है। इसके पहले क्या आएगा? फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स, वो क्या आ जाएगा? थोड़ा दूर लिख लेता हूं मैं, साइक्लो प्रॉप और फिर एन। एन क्यों? क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड। ये हो गया इसका सिंपल सा नाम। इसी तरीके से हम अगर मान लीजिए चार कार्बन को साइकिल में कनेक्ट कर देते हैं। थोड़ा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आई होप आपको नजर आ रहा हो। ठीक है, ये हो गया अपने चार कार्बन। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या नाम लिखेंगे? 1 2 3 4, क्या है? ब्यूट। चार कार्बन के लिए ब्यूट यूज होता है। तो क्या जाएगा यहाँ पे? साइक्लो। कुछ नहीं करना है अपने को, सिर्फ साइक्लो इसके आगे अटैच करना है। साइक्लो ब्यूट एन, साइक्लो ब्यूट एन। ठीक है, तो इस तरीके से होती है हमारी साइक्लो एल्केन्स की नेमिंग। और इसको नोट करिए, फिर अपन आगे चल के थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो चलिए, अब इसके अंदर अपन नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। नेक्स्ट चीज क्या हो जाएगी अपने पास? जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने बनाया है ये स्ट्रक्चर बनाया हमने, और ये जो पॉइंट्स है ये क्या है? कार्बन है। ये सारे पॉइंट्स पे क्या लगा है? कार्बन लगा है। अब हम यहाँ पे मान लीजिए इस जगह पे हम अटैच कर देते हैं CH2 CH3। ठीक है, तो अब इसकी नेमिंग कैसे होगी? तो देखिए, पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, तो किधर से नंबरिंग किधर से करनी है? जहां भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हो साइकिल में, बस ये है, जहां भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हो पहला नंबर उसी को दे दो। पहला, दूसरा, 3 4 5 और 6, ये दे दी नंबरिंग। फिर यहाँ पे क्या लगा है अपने पास? यहाँ अपने पास एन इथाइल, तो इसके लिए हमें आइसो वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं, और इथाइल में तो हमें वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो, साइक्लो लिखना चाहिए हमें कि पहले सब्स्टिट्यूएंट, यही तो है कि पहले हमें क्या लिखना है? सब्स्टिट्यूएंट। कौन सा? सेकंड डिग्री, उसमें क्या आता है? सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है ये हमारे पास? फर्स्ट पोजीशन पे है वन, क्या लगा है यहाँ पे? इथाइल, वन इथाइल साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, वन इथाइल साइक्लो हेक्सेन, ये होगा इसका नाम। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे चले, थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स करें। तो देखो, इसके अंदर अपन एक क्वेश्चन लिखता है। मान लीजिए ये अपन ने बनाया, ठीक है, ये पॉइंट्स क्या हैं? सारे कार्बन कार्बन है। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो अब नेमिंग कैसे होगी? अब नेमिंग कैसे होगी? इसके हम दो नाम भी लिख सकते हैं,
मान लीजिए हम इसका नाम लिख देते हैं, ये हमारे पास आ गया क्या, साइक्लिक कंपाउंड। हम इसको अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-साइक्लोब्यूटाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आती। लेकिन अब मान लीजिए कि हम इसको अपनी लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं और इसको हम सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर लेते हैं, तो 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो इसके लिए नाम क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड वाले के लिए पहले हम ले लेंगे सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 पे क्या सब्स्टिट्यूएंट है, प्रोपाइल है, प्रोपाइल। फिर क्या है, साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो, और क्या है, ब्यूटाइल, ब्यूटेन। जब भी मेन वो लेना है तो आई नहीं एन लगाना है, ठीक है, और उसके बाद वो डिपेंड करता है कि उसके डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब इनमें से कौन सा सही है, कोई पूछे तो कैसे बताओगे, तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं, देखो सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है कि जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो, नहीं या फिर हाँ जैसे जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो, पहले पहली चीज क्या देखनी है हमें, पहली चीज है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जिसके पास है, इसके पास है तो ये एज ए लॉन्गेस्ट चेन ट्रीट होगा, और ये है तो ये रूट वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट चेन ट्रीट होगा। ठीक है, उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर हम उसको प्रायोरिटी देंगे, और अगर वो भी नहीं है तो हम क्या देखेंगे कि सबसे ज्यादा कार्बन किसके पास है, नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स इधर इसके पास ज्यादा है तो हम किस वाले को, इस वाले को कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसको नहीं करेंगे। अब मान लीजिए एक केस में लेता हूं, जैसे ये हो गया अपने पास, ये हमने बना दिया एक स्ट्रक्चर, इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया ये, दिख रहा है, मेरे ख्याल से दिख तो रहा होगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब इस स्ट्रक्चर में क्या करेंगे बताइए, तो देखिए यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ भी 3 कार्बन है, दोनों में से किसी के पास फंक्शनल ग्रुप भी नहीं, दोनों में से किसी के पास डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो उसमें हमें प्रेफरेंस किसको देना चाहिए, प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, रिंग को। ठीक है, रिंग या अपना जो साइक्लिक स्ट्रक्चर रहता है उसको, तो इसका नाम कैसे बनेगा, ये 1, ये 2, ये 3, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1, क्या है अपने पास, प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल साइक्लो, और ये क्या है अपने पास, प्रोपेन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई साइक्लो एल्केन्स की, तो साइक्लो एल्केन्स इसी टाइप से रहते हैं। तो देखिए अब हम आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चंस लेके आ गए, इन क्वेश्चंस को आप पहले खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद इसको खुद से अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, कर लिया नोट, कर लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट, पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया। ठीक है, अपन करते हैं, तो पहले अपन यहाँ पे कार्बन डालेंगे, इस जगह कार्बन है, इस जगह कार्बन है, और इस जगह कार्बन है। ठीक है, बाकी ये पॉइंट्स पे तो है ही सही। तो मान लीजिए अब अपने पास 1, 2, यहाँ पे 2 है, 1, 2, 3, क्या ऐसी चेन बन जाएगी अपनी, 1, 2 और 3 बन सकती है ना, ये बन गई अपनी ऐसी एक चेन, और यहाँ पर भी 3 कार्बन है। तो मैंने आपको बताया जब 3-3 कार्बन हो, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, तो उसको किस तरीके से नेमिंग करते हैं, किस तरीके से करते हैं, प्रेफरेंस किसको देंगे, हम देंगे रिंग को। ठीक है, तो ये हो गए अपने 3 कार्बन, लेकिन हम क्या करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, रिंग से, हो गया 1, 2, 3, तो यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा अपने पास, 1, यहाँ पे क्या लगा अपने पास, जब ये दोनों अलग अलग हैं तो यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, 1 इसको नंबर देना चाहिए, 2 इसको नंबर देना चाहिए, और ये वाला हो गया मिथाइल, तो 1, फिर 1 के बाद ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 मिथाइल, फिर ये क्या है, इथाइल, ये हो गया अपना एक पूरा सब्स्टिट्यूएंट, इसको कर दो बंद, और उसके बाद साइक्लो प्रोपेन। ठीक है,
सही नाम लिख रहा हूँ। नेक्स्ट चीज क्या हो जाएगी अपने पास, नेक्स्ट चीज अपने पास आ जाएगी ये, तो इसको देख लेते हैं। इसमें अपने पास यहाँ कार्बन है, ठीक है, तो मेरा मार्कर आज काम ही नहीं कर रहा है अच्छे से। एक दो तीन और चार, एक दो तीन चार, और एक इस जगह पे भी कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, यहाँ पर हमारे पास छह कार्बन रिंग के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है हम रिंग को ही लेंगे। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। फिर ये जो हमारे कार्बन है इनको देखकर अब हमें ये ऐसा सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे हम कि ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है सब्स्टिट्यूएंट की, ये क्यों, क्योंकि इसमें चार कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। हो वैसे ये भी सकती है, और वो एक दो तीन वैसे नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, 1 2 3 4, इसकी सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है, मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास, पहले तो फर्स्ट पोजीशन 1, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर यहां पे क्या आ जाएगा अपने पास 2 पे है मिथाइल, 2 मिथाइल, उसके बाद यहां पे क्या है अपना पूरा 1 2 3 4, ये क्या है ब्यूटाइल, और फिर उसके बाद यहां पे पूरा क्या आ जाएगा साइक्लो, नीचे लिख देता हूं मैं साइक्लो, सॉरी देखिए काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, साइक्लो क्या है यहाँ पे हेक्सेन, हेक्स एम दिख रहा होगा वैसे तो, ये मुझे लगता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं अब इसके अंदर अपन, इसके अंदर जब अपन आ जाएंगे तो देखिए यहाँ अपने पास फिर से छह कार्बन के देंगे, और यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा उसके साथ क्या जुड़े हैं क्लोरीन। तो देखिए अब यहाँ पे ये बात आती है कि इसके साथ हमारे पास जो ये जुड़े हैं हेलोजन्स, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स है, अगर हम इसको ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं हमारे पास, तो हम ये जो चेन में किसको लेंगे कार्बन को, और ये पूरा रिंग जो रहेगा वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होगा, क्या होगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट। तो इसका नेमिंग कैसे होगा, इसकी नेमिंग के लिए हम लिख लेंगे जैसे ये कार्बन है और ये है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट किस जगह पे, पहली नंबर पे है आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा साइक्लो हेक्साइल, साइक्लो हेक्साइल, फिर यहाँ पे हमारे पास 1 पर ही और क्या है 1 क्लोरो, नहीं क्या था 1 1 1 1, ठीक है, ट्राई क्लोरो, क्योंकि तीन क्लोरीन लगे ट्राई क्लोरो, और उसके बाद ये क्या है मीथेन, ठीक है। 1 ये 1 पोजीशन अपनी, साइक्लो हेक्साइल 1 1 1, ट्राई क्लोराइड ट्राई क्लोरो मीथेन, ठीक है, ये बन गया अपना नाम। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, अब यहाँ पर देखिए तीनों ही जगह पे हमारे पास अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए, तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे करेंगे, तो मैंने सेकंड वीडियो जो थर्ड वीडियो में मैंने ये बताया था रूल्स में कि जब ऐसा कोई केस फंसता है तो उसमें हम क्या करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं, तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा पास पड़ेगा हमें, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन से नंबरिंग करेंगे 1, मतलब जहां पे ब्रोमीन लगा उस कार्बन को 1 नंबर देंगे, फिर यहां से 2, फिर क्लोरीन, आयोडीन से पहले सी आता, आई से पहले सी आता 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, पहले हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लिख लेते हैं, तो पहले 1 ब्रोमो, फिर 3 क्लोरो, फिर 5 आयोडो, और उसके बाद अपने पास क्या है साइक्लो, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ओके, थोड़ा सा ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अपने पास 5 आयोडो, फिर यहाँ पे आ जाएगा साइक्लो, और ये कितनी है 6, तो हेक्सेन हेक्स एन, ठीक है। इतनी समझ में आ गई कैसे अपन ने ये नेमिंग की है,
इस तरीके के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की नेमिंग करना आपको आनी चाहिए, और इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग हम करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, जब हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को पढ़ लेंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ लेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो चैनल के अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और सारी वीडियोस देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको और भी चीजें पढ़नी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर जो भी लेटेस्ट कंटेंट आएगा उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।